बहुत बढ़िया से शराबबंदी का कार्य चल रहा है, यही आएगा सर्वे बाहरी एजेंसी को बुलावे, बाहरी एजेंसी को बुलाकर उसे सर्वे करा। नीतीश कुमार जी शेड्यूल कास्ट के हिमायती कभी नहीं है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतराम मांझी अब सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। दरअसल बीते दिनों नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने भी संसद का आयोजन किया था और ऐसे में अब विपक्ष से दलित के नेता और हम पार्टी के संरक्षक जीतराम मांझी 5 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर में नीतीश कुमार के खिलाफ धरना प्रदर्शन के साथ वहन करेंगे। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी संसद, जिसमें दलितों का एक महासम्मेलन बुलाया गया था, अब उसको टक्कर देने के लिए जीतराम मांझी 24 दिसंबर को पटना के मिलर ग्राउंड में दलितों का महासम्मेलन बुला रहे हैं। मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि हम शेड्यूल कास्ट के हिमायती हैं। उन्होंने भीम संसद का आयोजन भी किया, लेकिन नीतीश कुमार शेड्यूल कास्ट के हिमायती बिल्कुल नहीं रहे। जाति आधारित गणना हुई, ये बात अपना प्रूफ करने के लिए कि बहुत अच्छा है, आज ही मैं लिख देता हूँ आएगा सर्वेक्षण में कि सब कुछ चाहते हैं कि शराबबंदी हो और बहुत बढ़िया से शराबबंदी का कार्य चल रहा है, यही आएगा सर्वेक्षण में। ये चूंकि ऐसे कहने में दिक्कत होती है तो एक सरकारी अमली जमाव पहना देंगे, जैसे कि जातीय गणना में उन्होंने करवाया है, इसलिए वो भी फेक होगा। ये मैं अगर कराना है तो कोई बाहरी एजेंसी को बुलावे, बाहरी एजेंसी को बुला करके उसे सर्वे करावे। अब एक बात है कि जब झूठे ही बोल करके पॉपुलैरिटी लेना हो तो अगर कहेंगे कि दिल्ली की राजधानी को कर दीजिए पटना, इसके लिए हम चलेंगे समूचे बिहार में, हम ये काम करेंगे, है संभव? तो उसी प्रकार से जब नीति आयोग ने भी कह दिया, नीतीश कुमार जी शेड्यूल कास्ट के हिमायती कभी नहीं रहे। अब जिस भीम संसद की बात उन्होंने की है उसमें विशेष करके विकास मित्र, टोला सेवक और शिक्षा, अनेक प्रकार के जो मित्र, शिष्टा शिक्षा मित्र कहिए चाहे और कहिए, ये सब लोगों को बुलाए थे। अब बुलाए थे ये कह करके कि हर एक वैसे लोग हैं जो अनुबंध पर हैं, 10-10 आदमी से 20-20 आदमी तक लेते आएंगे अपने खर्च पर, और अगर हमारा पदाधिकारी प्रतिवेदन नहीं देंगे कि फलना आदमी 20 आदमी नहीं ले गए तो उनको संविदा से हटा दिया जाएगा। ये दहशत फैला करके यहाँ पर लाया गया है और लोग जुटे, कितना जुटे होंगे सब आप लोग जानते हैं। तो कहने का मतलब, भीम संसद का ये मकसद कभी नहीं है कि हम शेड्यूल कास्ट को दहशत में रखें, दहशत में डालें, एक चीज। दूसरी बात, हम एक कहना चाहते हैं कि हमारे विकास मित्र, टोला सेवक और प्रकार के जो लोग हैं, उन लोग गलतफहमी में नहीं रहें कि इन लोगों की नियुक्ति नीतीश कुमार ने की थी, इन लोगों को संविदा पर नीतीश कुमार ने रखा था। इस चीज़ को केपी रमैया जो हमारे सेक्रेटरी थे और जीतन मांझी वेलफेयर मिनिस्टर था और ए मानवर मुख्यमंत्री थे, तो हम लोगों ने इस तरह का प्रस्ताव दिया और प्रस्ताव देने के उपरांत हम लोगों की प्रस्ताव को इन्होंने माना और बहाली के लिए आदेश दिया तो बहाल हुआ। कहने का मतलब यह है कि ये विकास मित्र और टोला सेवक या मरकजी तालीम जो तालीम मरकजी जो है, वो इन लोगों का नाम तक के नहीं जानते थे। ये सबको हम लोगों ने ईजाद किया, खास करके वो के पी रमैया साहब जो IAS सर थे, उन्होंने ईजाद किया और उसी के आधार पर। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतराम मांझी ने बड़ा ऐलान करते हुए बिहार में शराबबंदी को फेल बताया है। मांझी ने कहा कि बिहार में यदि उनकी सरकार बनी तो शराब पर रोक हटा दी जाएगी, उसके बदले में लोगों को शिक्षित किया जाएगा। पंजाब केसरी TV के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।